हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ESGPT ESGOT की। कई लोग फोन करके पूछते रहते हैं कि अगर ESGPT और ESGOT का रेशियो अगर नॉर्मल है तो क्या मैं स्वस्थ हूं और क्या स्थिति है, तो उसी के लिए पूरी बात है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं, सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है। तो देखिए, ESGPT और ESGOT लीवर फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट है। यानी जब भी आप LFT करवाते हैं, LFT का फुल फॉर्म है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जब LFT करवाते हैं तो मोटे रूप से यही दो पैरामीटर आते हैं, एक SGPT और दूसरा SGOT। अगर इनके नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो जो SGPT है, जिसको ALT भी बोलते हैं, SGPT और ALT दोनों एक ही चीज होती है, तो इसका जो रेशियो है 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। और SGOT इसका भी रेंज 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। अब इस SGOT को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AST। तो इस तरह से है SGPT और SGOT का नॉर्मल रेशियो। खास बात, ये जो SGPT है ये लीवर में प्रमुख रूप से पाया जाता है, यानी मुख्यतः लीवर में ही पाया जाता है। और जबकि SGOT हार्ट, मसल्स और लीवर में, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। यानी अगर हार्ट में, मसल्स में या फिर लीवर में कहीं भी डैमेज होगा, एबनॉर्मलिटी होगी, तब SGOT बढ़ा होगा। और लीवर में जैसे फैटी लीवर Grade 1-2-3 इस तरह से होगा, तब ये बढ़ा होगा, देखा जाता है। देखिए, लीवर में भी पाया जाता है ना, तो SGOT बढ़ा है, इसका मतलब कि दिक्कत लीवर में भी हो सकती है, हर्ट में भी हो सकती है, मसल्स में भी हो सकती है। और SGPT अगर बढ़ा हुआ है तो सर्टेनली, निश्चित रूप से दिक्कत लीवर में है। जो प्रश्न ये है कि अगर इन दोनों का रेशियो नॉर्मल आए तो क्या है। देखिए, ये 5 से 40 ये होता है, ये भी 5 से 40 होता है ना? तो अगर SGPT और SGOT का रेशियो निकालेंगे ना, तो इन्हीं दोनों के बीच का वैल्यू आएगी। तो देखिए, एक बार लोवेस्ट वैल्यू 5/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं तो भी कितना होगा, 40 40 ना, 40/40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी रेशियो 1 आएगा। यानी रेशियो 1 आना चाहिए। इसी के बीच का अगर कुछ भी रखेंगे तो भी 1 आएगा रेशियो। यानी अगर मान लीजिए 35/35 रख दिया तभी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम हेल्दी हैं। रेंज में वैल्यू होनी चाहिए, ये सबसे खास बात है। कुछ लोगों का रेशियो तो नॉर्मल रहता है, रेशियो 1 के आसपास रहता है, लेकिन क्या वो हेल्दी सिचुएशन है, नहीं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे SGPT है और SGOT है, रेशियो 1 आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल होगा, ठीक है। मान लीजिए ये भी 80 हो जाए, ये भी 80 हो जाए, तब भी तो रेशियो 1 ही आया, तो क्या नॉर्मल है, दोनों बढ़े हुए हैं, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए 160 हो जाए, 160 हो जाए, ये भी रेशियो कितना, 1 आ रहा है, तो क्या नॉर्मल है, नहीं, दोनों बढ़े हुए हैं। कहने का मतलब SGPT SGOT का रेशियो 1 यानी नॉर्मल होना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात क्या है कि ये जो दोनों पैरामीटर हैं, SGPT और SGOT, ये नॉर्मल होने चाहिए। ये रेशियो का मतलब डॉक्टर्स के लिए है और वो इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि कहां पे डैमेज है ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी का SGPT और SGOT दो ही संभव हो सकती है, रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए, रेशियो 1 से कम हो जाए। तो मान लीजिए ये रेंज में है, ये मान लीजिए कितना है, 35 है, SGPT कितना है, 35 है, और ये मान लीजिए कितना है, 70 है। तो ये बात सही है कि SGPT सही है, 35 रेंज में है, लेकिन ये रेंज में नहीं है, बढ़ा हुआ है ना।
तो अगर ये रेशियो करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, और ये क्या है, कम है। तो डॉक्टर इससे कम वैल्यू से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी वैल्यू तो नॉर्मल रेंज में है, तेरी दिक्कत लीवर में नहीं है, दिक्कत हार्ट और मसल्स में भी होगी, तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ी आ रही है। तो नहीं, कम आने से SGPT और SGOT का रेशियो कम आने से इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत लीवर के अलावा कहीं और है, और वो और क्या है, हर्ट में हो सकता है या फिर मसल्स में हो सकता है ना। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि देखिए SGPT और SGOT ये है, इसका मान लीजिए कितना है, 180 है मान लीजिए, ठीक है, और ये नॉर्मल रेंज में है, कितना मान लीजिए 40 है, ठीक है। तो अब ये रेशियो कितना जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4.5 हो गया, तो ये रेशियो बढ़ा हुआ है। यानी अगर SGPT और SGOT का रेशियो एक से ज्यादा आ गया, उसका मतलब दिक्कत लीवर में ही है। तो रेशियो से डॉक्टर को सिर्फ अंदाजा लगता है कि बीमारी कहां पे है, कम होगा तो भी दिक्कत होगी, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा। तो सचेत रहने की जरूरत है, रेशियो सेम आए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे क्या है, रेशियो सेम है ना, 1 है, यहां भी रेशियो 1 है, लेकिन क्या हेल्दी सिचुएशन है, नहीं। तो रेशियो भी नॉर्मल होना चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो भी रेंज में होना चाहिए। तो देखिए अगर कम है तो इसका मतलब दिक्कत हार्ट और मसल्स में कहीं है, लीवर में दिक्कत नहीं है, और अगर ज्यादा है तो निश्चित है कि दिक्कत कहां पे है, लीवर में है। तो इस तरह से जो डायग्नोसिस है उसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 है तो खुश रहें, अपना जो भी चावल चीनी घी तेल मसाले खूब ढेर सारा यूज करते रहें। तो देखिए यहां भी क्या है, रेंज में ये नॉर्मल है रेशियो, लेकिन फिर भी कंडीशन वर्स है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, ब्लड के पैरामीटर हो चाहे किडनी के पैरामीटर हो या बॉडी के पैरामीटर हो, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। जो रेशियो आता है वो डॉक्टर्स के अंदाजा लगाने के लिए है कि दिक्कत कहां पे है, डायग्नोसिस में दिक्कत कहां पे है, फिर उस बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरह से देखिए रेशियो कम है, फिर से एक बार समझ लीजिए, रेशियो अगर कम है तो मतलब SGOT बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज से बाहर है, बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब दिक्कत हर्ट और मसल्स में कहीं होगी। और अगर ज्यादा है ना, SGPT और SGOT का रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब दिक्कत लीवर में ही है। तो इस तरह से आपने काम की वीडियो देखी और बात समझ में आई, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल पर अब नए हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।